अभी जो ज्योग्राफी के हैं दो चैप्टर की पढ़ाई हुई है, फर्स्ट हुआ है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ और दूसरा हुआ है भू परपति के निर्माण करने वाले पदार्थ। अब चैप्टर्स वाइज मटेरियल्स आपको प्रेजेंट करना है, तो उसमें चैप्टर तो समझा दिया गया है और पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया। और आज जो दूसरा चैप्टर है मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उसमें मेनली आपको रॉक के बारे में जानना है, उसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि कुछ चैप्टर समझाने में ही सारा बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए उसमें जो कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको जानिए। थोड़ा सा पहले जान लीजिए, बनावट की दृष्टि से चट्टान तीन तरह के होते हैं। पहले भी बताया था चट्टान कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान, अंग्रेजी में कहते हैं इजनियस रॉक, इजनियस रॉक फर्स्ट। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, परतदार चट्टान। और तीसरा है कायांत्रित या रूपांतरित या परिवर्तित मेटामॉर्फिक रॉक। अंग्रेजी वाला नामकरण जरूर याद रखना है, इजनियस रॉक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, एंड द सेकेंड इज सेडिमेंट्री परतदार, उसको अवसादी चट्टान कहते हैं, उसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। हिंदी में दो नेम है लेकिन अंग्रेजी में एक नेम है। और तीसरा है कायांत्रित रूपांतरित या परिवर्तित, हिंदी में तीन नाम है और अंग्रेजी में केवल है मेटामॉर्फिक रॉक। इसी तीनों रॉक के बारे में ही इस चैप्टर्स में पढ़ना है और अक्सर इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पढ़ाया गया बहुत बढ़िया ढंग से। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं उस पर देखा जाए, उस पर जो देखते हैं तो पहला बताया था ना आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान जितने जो है वह धरती के अंदर जो तरल तप्त और चिपचिपा पदार्थ है उसको मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब कठोर ठोस रूप धारण कर लेता है वह धीरे धीरे धरती के अंदर से भूगर्भीय भाप से प्लेट होकर ऊपर की ओर बढ़ता है, तो कुछ तो रास्ते में जम जाता है और कुछ ऊपर निकल जाता है। तो इसी तरह इसलिए आग्नेय चट्टान के तीन प्रकार के हैं, कुछ तो अंदर उसको पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं, कुछ मध्यवर्ती जो बीच में जम गया, और कुछ वोल्केनिक ज्वालामुखी ऊपर फूट कर निकल गया, और जो मैग्मा वगैरह लावा, मैग्मा जो ऊपर आता है तो लावा हो जाता है और उसके संघनन के बाद जो चट्टान बन जाते हैं वह वोल्केनिक इजनियस रॉक होता है। तो पहला हो गया। दूसरा है कि चट्टानों जीवाश्मों और वनस्पतियों के एकत्रीकरण से जो चट्टान बनते हैं वो हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक। और आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ताप दाब, ताप और दाब की चलती जब रूप में परिवर्तन हो जाता है तो होता है कायांत्रित चट्टान। ये बात मैं बार बार कर रहा हूं इससे आपको गेट बाय हार्ट भी हो गया कि तीनों चट्टान कैसे बनते हैं। और तीनों चट्टान का जो मूल पदार्थ है वो मैग्मा ही होता है, मैग्मा ही कठोर ठोस रूप धारण करता है तो आग्नेय चट्टान बन जाता है। और वही चट्टान जब छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे चट्टानों के जमाव से के चलते भी सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, हालांकि जीवाश्मों के एकत्रीकरण से बनते भी हैं, वनस्पतियों के एकत्रीकरण से बनते हैं। और आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक का जो रूप में परिवर्तन होता है वो होता है कायांत्रित चट्टान। तो आइए ये बेसिकली बात आपके दिमाग में आ गया कि इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो उससे जो प्रश्न बनते हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर दिया जाए। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट किया जाएगा, वह है भू संचरण, ज्वालामुखी और भूकंप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भू संचरण, अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ मूवमेंट, एंड ज्वालामुखी को अंग्रेजी में कहते हैं वोल्केनो, और भूकंप को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थक्वेक। वो दूसरे अगर कोई देखो तीसरा चैप्टर होगा तो बाद में आइए जो पढ़े बढ़िया से पढ़ लें, उसको बढ़िया से गेट वाइज हट होने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेने से अच्छा रहता। तो पहला चैप्टर का हो गया था क्वेश्चन आंसर, आज दूसरा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझा दिया गया और उसका जो क्वेश्चन जो बनते हैं उस पर देखा जाए। पहला प्रश्न है चट्टान का कौन सा प्रकार, चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है इजनियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। चट्टान का कौन सा प्रकार परत रहित, परत नहीं है, परत रहित कठोर एवं जीवाश्म रहित, जीव जंतु का अवशेष उसमें नहीं है, रहित होता है। स्वाभाविक बात है परत रहित है तो परतदार तो नहीं होगा, परतदार ना परत होगा, परत रहित है तो परतदार तो नहीं होगा, और कठोर भी है जीवाश्म रहित भी है। तो अगर इसमें तीन ऑप्शन आपको दे रहा है कि इजनियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, देन आंसर इज द फर्स्ट का इजनियस रॉक, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान परत रहित होता है, कठोर होता है और जीवाश्म रहित होता है। जीवाश्म सहित अगर प्रश्न आ जाए तो वह सेडिमेंट्री रॉक होता है, क्योंकि वनस्पतियों या जीवाश्मों के एकत्रीकरण से परतदार चट्टान बनते हैं। अब हियर द क्वेश्चन है कि परत रहित
कठोर और जीवाश्म रहित होता है तो उसका उत्तर होगा आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। तो पहला आपका फिनिश हो गया। दूसरा प्रश्न है किस प्रकार के शैलों में, शैल मतलब चट्टान रॉक, शैलों में लोहा तांबा सोना हीरा आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ये कोयला नहीं दिया हुआ है, कोयला सेडिमेंट्री में होता है। तो किस प्रकार लोहा तांबा सोना हीरा और बहुमूल्य खनिज जो है पाए जाते हैं वह इग्नियस रॉक में। दोनों प्रश्न का उत्तर इग्नियस रॉक होगा। जो जीवाश्म रहित है परत रहित है उसका भी इग्नियस रॉक, और दूसरा जो लोहा है सोना है तांबा है आदि खनिज भी इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। बहुत बहुत दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है किस प्रकार के चट्टानों के क्षरण से, वेदनिंग से, टूट फूट से, किस प्रकार के चट्टानों के क्षरण से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दें भारत में जो डेक्कन ट्रैप वाला जो क्षेत्र है करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो इंट्रूसिव होता है और एक एक्सट्रूसिव होता है। तो किस प्रकार के चट्टानों के क्षरण से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसको स्थानीय मणिपुर भी कहते हैं। वैशाल्ट जो होता है वोल्केनिक इग्नियस रॉक है, धरती के नीचे से लावा ऊपर आ गया, जब मैग्मा जो ऊपर आ गया लावा कहलाया, वो जो संघनित हो गया जो, और उससे उसके क्षरण से उसके टूट फूट से मिट्टी बनती है वो होता है रेगुर, उसका स्थानीय नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चट्टान का नाम है वैशाल्ट, वह वोल्केनिक इग्नियस रॉक होता है। तो इसका उत्तर क्या, वैशाल्ट इग्नियस रॉक का ही प्रकार है। जो अंदर में जम गया बहुत अंदर में वह ग्रेनाइट हो गया, जो ऊपर आ गया वैशाल्ट हो गया, और बीच में जो जम गया वह डाइक है सील है लाइकोलिथ है बाइकोलिथ स्टॉक आदि आदि नोमेनक्लेचर पर ही बताया जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाल्ट चट्टानों के क्षरण से टूट फूट, ऐसे भी मिट्टी का निर्माण होता है ना, चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो किस प्रकार के चट्टान के टूटने से उपजाऊ काली मिट्टी बनती है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है धरती के अंदर जब मैग्मा, वही धरती के अंदर जो मैग्मा है जो चट्टान का मूल पदार्थ है, वही मैग्मा जब संघनित होता है कठोर ठोस रूप धारण करता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। तो धरती के अंदर का जो मैग्मा ऊर्ध्वाधर वर्टिकली, एक होता है हॉरिजॉन्टली क्षैतिज लेटा हुआ है, अब वर्टिकली लंबवत ऐसे जो है इस तरह से हो गया ऊर्ध्वाधर तल में जमता है तो किस प्रकार की चट्टान, वहां भी चट्टान का नंबर पिक्चर आपको बताया था ना, इग्नियस रॉक में तीन है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, एक हाइपेबाइसल है और एक है वोल्केनिक इग्नियस रॉक। तो ये वर्टिकल जो जम जाता है दरारों में, जिस तरह से मैग्मा चला और दरारों में जो वर्टिकल जम जाता है उसका जो नंबर पिक्चर है वो होता है डाइक DYKE, और वह क्षैतिज वाला है तो उसको कहते हैं सील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, शायद धरती के अंदर जब मैग्मा, देखिए क्वेश्चन क्षैतिज पर्दों में हॉरिजॉन्टल समानांतर ऐसे क्षैतिज लेटा हुआ क्षैतिज पर्दों में जमता है तो किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है, वहां सील कहते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर है तो डाइक है और क्षैतिज है तो सील है, इसको याद रखना है। सबसे नीचे वाला प्लूटोनिक है तो ग्रेनाइट हो गया, ये कैसे इस तरह से हो गया वर्टिकल हो गया, उसको नोमेनक्लेचर डाइक है, और ये जो इस तरह से लेटा हुआ है उसको सील कहा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी, अब बड़ी बड़ी चट्टानी पिंड धरती के नीचे जमे हुए, और आपको बड़े ने बताया था कि धरती के ऊपर जितने चट्टान है जितने पहाड़ है उससे ज्यादा मात्रा में धरती के नीचे चट्टान है पहाड़ है। भाई देखिए सबसे बड़े अंतर्वेदी दो तरह का, एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर वाला, अंतर्वेदी, और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बहिर्भेदी, जो धरातल पर ऊपर आकर बन गया वो बहिर्भेदी हो गया, और जो धरती के नीचे वो क्या होता है वो अंतर्वेदी होता है। कि सबसे बड़ी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंड किसे कहा जाता है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, क्योंकि नीचे में तो लाइकोलिथ है बाइकोलिथ है डाइक है सील है स्टॉक है सो मेनी अनेक नोमेनक्लेचर है। तो सबसे जो बड़े होते हैं वो होता है बैथोलिथ BATHO बैथोलिथ, सबसे बड़े क्या होता है बैथोलिथ, उसमें लाइकोलिथ भी है बाइकोलिथ भी है फाइकोलिथ भी है डाइक भी है सील भी है स्टॉक भी है सो मेनी है अनेक नोमेनक्लेचर है। तो सबसे बड़े जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है बीच वाला हाइपेबाइसल वाला जो है उसको कहते हैं बैथोलिथ बैथोलिथ। अगला देखा जाए छोटे आकार के, अब बैथोलिथ में जो स्मॉल साइज के होते हैं उसके भी कुछ नोमेनक्लेचर है, छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है, उसको स्टॉक कहा जाता है। सबसे तो इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़े जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंड है
वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसका नाम तो बैथोनिथ है। तो छोटे आकार का जो बैथोनिथ है उसका भी कुछ नोमेनक्लेचर है, और उसका नोमेनक्लेचर है स्टॉक। उसका क्या है? स्टॉक। तो इस तरह से इतने प्रश्न इजनियस रोग से अति महत्वपूर्ण हो गए। और अब आए जो सेकंड है, वह है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को परतदार या अवसादी चट्टान भी कहते हैं। उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि पृथ्वी के अस्थल मंडल का, अस्थल मंडल को पहले तो नहीं बताया था क्या क्या, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो अस्थल मंडल, पृथ्वी के अस्थल मंडल का लगभग कितना प्रतिशत भाग, कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? पृथ्वी की अस्थल मंडल का करीब कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से भरा है? वह करीब 75%, क्योंकि चट्टानों, जीवाश्मों और वनस्पतियों, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और जो पेड़ पौधे एक समय के बाद भी गिर जाते हैं फिर जम जाते हैं, चट्टान भी जो ऊपर में है वेदरिंग के चलते और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जिसके चलते वो टूट फूट करके जमा हो जाते हैं, और जीवाश्म जितने जीव जंतु हैं एक समय के बाद उनका भी डेथ हो जाता है, और उन सब के जमाव से, उन सब के जो जमाव से जो बनते हैं वे अवसादी चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी के स्थल मंडल का करीब 75% भाग है, और वो 3/4 भाग हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों का कितना प्रतिशत भाग, अवसादी चट्टान में मेनली तीन है, शेल है, सैंडस्टोन है एंड लाइमस्टोन है, तीन इंपॉर्टेंट है, शेल में और पार्ट बताते हैं। तो अवसादी चट्टानों का कितना प्रतिशत भाग शेल, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर को सैंडस्टोन कहते हैं और चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में शेल है जो 80% है, 80% कौन है, वो शेल है। उसके बाद कौन है, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, यही सैंडस्टोन चेंज होकर क्वार्टजाइट बन जाता है, और चूना पत्थर चेंज होकर क्या बन जाता है, वो मार्बल बन जाता है। और दूसरे का परसेंटेज है 12% और तीसरे का परसेंटेज है 1%, इस पूरा को जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, खनिज तेल का उत्पादन किस प्रकार के चट्टानों के परतों के बीच में पाया था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर यह परीक्षा में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार के चट्टानों के परतों के बीच में पाया था। ऑप्शन दे देगा अग्नि चट्टान, उसके बाद दे देगा वही परतदार चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद देगा आपको कायंत्रिक चट्टान, और लास्ट में देगा इनमें से कोई नहीं, या दे देगा इनमें से सभी, ऐसा भी प्रश्न देता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो याद रखिए अवसादी चट्टान के परतों के बीच में, सेडिमेंट्री रॉक्स के परतों के बीच में ही खनिज तेल का उत्पादन होता है। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, शेल खरी एक चट्टान है तथा कोयला, कोयला ऐसे चार तरह का होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, ये चारों के बारे में अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोयला ऐसे चार तरह का होता है, सबसे बढ़िया जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत होती है, मोर देन 90%, ये बात भी जानना नहीं। यहाँ क्वेश्चन है, सेल खड़ी तथा कोयला किस प्रकार का चट्टान है, किस प्रकार का चट्टान है, तो चट्टान तो तीन है मूल का, आगे चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक है, इजीनियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, चाहे देगा इनमें से सभी। तो यहाँ क्वेश्चन है, सेल खड़ी तथा कोयला किस प्रकार का चट्टान है, इसका उत्तर हो गया परतदार या अवसादी चट्टान, परतदार या अवसादी चट्टान के लिए सेडिमेंट्री रॉक, जो वनस्पतियों के एकत्रीकरण से पेड़ पौधे हैं बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वो दब जाएंगे, तो वो पेड़ पौधे जो प्लांट होते हैं ना वो कन्वर्ट इनटू कोल हो जाता है, प्लांट कन्वर्ट इनटू कोल हो जाते हैं, तो अवसादी चट्टान है। एक आसान क्वेश्चन है, आगरा का किला, आगरा का किला तथा तो दिल्ली का जो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, तो दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के अवसादी चट्टान, किस प्रकार की अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में जो प्रकार है जैसे सेल है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है आदि आदि, तो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से वो बना हुआ है, कैसा बना हुआ, बलुआ पत्थर से। एक और क्वेश्चन है, दामोदर नदी है, दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिन, बेसिन को द्रोणी भी कहते हैं, नदियां जहां से जहां तक बहती है जो जो क्षेत्र होता है ना उसको बेसिन कहते हैं, उसका नदियां जहां से निकलती है और जहां तक जाती है, दो जो पार्ट होता है, जो बेल्ट होता है उसको बेसिन कहते हैं, उसको द्रोणी भी कहते हैं। यह प्रश्न है कि दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिन में किस प्रकार के अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, किस प्रकार के अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। अब नदी बेसिन में नदी के आसपास जो खुदाई हुआ तो वो जो अवसादी चट्टान पाया जाता है वो है कोल, कोयला, वो क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। जीवाश्मों की उपस्थिति, जीव जंतु के मरने के बाद जो अवशेष होता है उसको जीवाश्म कहते हैं, तो
तो जीवाश्मों की उपस्थिति सरंध्रता, सरंध्रता का मतलब पोरोसिटी, कितना उसमें छिद्र है उसको पोर, पोर माने छिद्र होता है। तो जीवाश्मों की उपस्थिति सरंध्रता तथा अपरदन इरोजन काटछान, अपरदन को क्या कहते हैं इरोजन काटछान, किस प्रकार के चट्टान की विशेषता है, किस प्रकार के चट्टान की विशेषता में सरंध्रता भी है, उसमें छिद्र है, माइन्यूट छिद्र है जो नीचे चला जाएगा, अपरदन भी है उतना कठोर नहीं है, तो कुछ बाहरी एजेंट ऐसे हैं जोरों की हवा बही, बहता हुआ हवा और उसके बाद पानी का भी बहना, तो इसके चलते उसमें इरोजन भी हो जाता है। तो सरंध्रता भी है, जीवाश्मों की उपस्थिति है, जीव जंतु है और जीव जंतुओं के अवशेष और वनस्पतियों के अवशेष से तो अवसाद चट्टान, तो जो अवसादी चट्टान का डिफिनेशन जिसको याद होगा वो पता लेगा कि अवसाद चट्टान बनते कैसे भाई। तो चट्टानों जीवाश्मों और वनस्पतियों के एकत्रीकरण से ही सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, तो पढ़ा जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले भी इसी चर्चा, डेक्कन ट्रैप जो दक्कन का क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला का, करीब कितना क्षेत्र मान कितने क्षेत्र में वैशाल्ट चट्टानों से वह ढका हुआ है, तो इसको रखना है करीब 5,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ऐसे भारत बहुत बड़ा, दुनिया का सातवां बड़ा देश है, इसका पूरा एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और उसमें करीब 5,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वैशाल्ट चट्टान ही है, वैशाल चट्टानों से ढका हुआ है और उसके उस चट्टानों के टूटने से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसका स्थानीय नाम रेगुर है, ये बात पूछा जाता है अक्सर। तो अभी जो भी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया, बताया गया, जो क्वेश्चन कराया गया, सारे के सारे अति महत्वपूर्ण है, आप बार बार इसको देखें, बार बार अभ्यास करें और लिखने का अभ्यास करें, आप लिख के पढ़ें, पढ़ाई में लिखाई बहुत जरूरी होती है, आप 1 घंटा अगर पढ़ते हो तो 2 घंटा उसमें लिखने का अभ्यास करें तभी आपको याद होगा। तो 2 चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर जो ज्योग्राफी का है वह है भूसंचरण अर्थ मूवमेंट्स और उसके बाद है वोल्केनो ज्वालामुखी और अर्थक्वेक भूकंप बहुत इंपॉर्टेंट है वो आगे दिया जाएगा और ज्योग्राफी के जितने भी लिथोस्फीयर के चैप्टर से पहले दिया जाएगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर का है वायुमंडल का और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर का है जलमंडल का। इस तरह फिजिकल ज्योग्राफी का जो तीनों पार्ट है तीनों पार्ट क्रम से बताया जाएगा। थैंक यू।